हे गाइस, वेलकम टू दिजिमेटी न्यूज। तो गाइस, आज की जो न्यूज है ना, ब्रेकिंग न्यूज, वो आपको काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हैरान करने वाली है। हम बात करेंगे उन सारे अपडेट के बारे में जो कि स्पाइडरमैन से रिलेटिव आई हैं। वीडियो को लेट बनाने का मकसद सिर्फ इसलिए यही था कि आपको सारे अपडेट पता चल जाए, ना कि एक एक करके। तो चलिए स्टार्ट करते दिस वीडियो, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पाइडरमैन के इस अपडेट के बारे में जो कि टोटली स्यापा है मार्वल फैंस के लिए। इसमें हमें यही पता चला कि स्पाइडरमैन के साथ बिल्कुल ही गलत हुआ है। अब हुआ क्या कि स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम सुपर हिट गई, सोनी और डिज्नी के बीच में डील हुई और सोनी को बिल्कुल पसंद नहीं आई वो डील डिज्नी की, और फाइनली सोनी ने फैसला करा कि मुझे ये राइट्स वापस दे दी जाए और आने वाली अपकमिंग मूवी को मैं ही बनाऊंगा। जी हाँ, सब कुछ टोटली सोनी करेगा। पर सोनी ने एक चीज कंफर्म कर दी कि इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे जॉन, जो कि होमकमिंग के और फार फ्रॉम होम के डायरेक्टर है। उसी के साथ उन्होंने एक चीज और कंफर्म कर दी कि कास्ट में कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। ये सोनी और यूनिवर्स की तो मूवी रहेगी, पर उसी के साथ इसमें टॉम हॉलैंड एज अ स्पाइडरमैन भी रहेंगे, जो कि आने वाली अपकमिंग मूवी से कनेक्टेड होंगे। देन उसी के साथ इसकी दो मूवी आएंगी। तो हाँ, वो दोनों ही मूवी जॉन डायरेक्ट करेंगे, टॉम हॉलैंड एज अ स्पाइडरमैन रहेंगे। ये हमारे लिए खुशखबरी है, कोई भी चेंजेस नहीं है। पर उसी के साथ सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटेड ये था कि अब टोटली काम होगा सोनी के अंडर, ना कि मार्वल। और केविन फाइगी इसके प्रोड्यूसर नहीं रहेंगे, जो कि हर बार एमसीयू मूवी के प्रोड्यूसर रहते हैं। देन उसी के साथ ये वेनम का एज एक पार्ट भी होगा आने वाली फ्यूचर मूवी के लिए। और देन वेनम की 2 के जो पार्ट आ रहा है उसमें केविन फाइगी हेल्प भी करेंगे। तो ये सारे अपडेट मैं अपने ट्विटर अकाउंट पे भी डाल चुका हूँ। और देन अभी हाल ही में एक रूमर आया है कि आने वाली जो सोनी की स्पाइडरमैन मूवी होंगी वो वेनम होगी, वो आर रेटेड होंगी, पर ये कोई ऑफिशियल कंफर्म नहीं है, एज एक रूमर भी है। और देन सबसे ज़्यादा जो दुखी करा सोनी पिक्चर्स ने कि अपनी उधार की जिंदगी जीने के बाद भी इतना घमंड करना, ये आप समझ जाओगे मैं क्यों कह रहा हूँ। जब सोनी पे मौका था, उन्होंने स्पाइडरमैन मूवी बनाई तो वो ज़्यादा बॉक्स ऑफिस पे हिट नहीं रही। पर जब ये एमसीयू पे मौका आया तो उन्होंने स्पाइडरमैन को 2 पैरों पे खड़ा करा, बॉक्स ऑफिस पे हिट कराया, 1 बिलियन कराया, ऑल टाइम स्पाइडरमैन की मूवी की बेस्ट मूवी रही। उसी के साथ सोनी की पूरे कैरियर में स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम सबसे टॉप पे रही। तो उससे बड़ा सबूत क्या होगा कि एमसीयू कितना बेटर काम करता है, डिज्नी कितना बेटर काम करता है। फिर भी ये सोनी को समझ में नहीं आया और 50% मिलने के बाद भी सोनी इतना कुछ झेल रहा है और फिर भी उन्होंने ये राइट्स वापस ले लिए। अब बात करते हैं कुछ ऐसे एक्टर्स के बारे में जिनके रिएक्शन कुछ अलग ही रहे, जिसमें कि नंबर 1 इंडियन यूट्यूबर आशीष चंचलानी का रिएक्शन कुछ ये था। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे ये डील जानते ही ये बोला कि डिज्नी और सोनी की डील ऑफ हो चुकी है, मूड बहुत खराब है, यस ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, नो नो। उसके बाद रियान जो कि डेडपूल का कैरेक्टर प्ले करते हैं, उनके रिएक्शन तो काफ़ी अच्छे थे, मैं तो बहुत खुश हूँ उनके इस रिएक्शन से। एक फैन ने रियान से ये पूछा ट्विटर अकाउंट पर कि क्या हमें फ्यूचर में स्पाइडरमैन डेडपूल मूवी देखने को मिलेगी। उन्होंने बोला, यू कैन बट यू कैन ओनली माई हार्ट, आप ये मूवी से मेरे दिल में देख सकते हो। जी हाँ, अब इससे तो ये कन्फर्म होता है। देन उसी के साथ सोंगची एक्टर जो कि अपकमिंग उनकी मूवी है एमसीयू में, उनका रिएक्शन कुछ अलग ही रहा। उन्होंने कहा, वुट ये क्या हो गया, एकदम उनका शौक लगा। देन उसी के साथ जेरेमी जो कि हॉकाई का रोल प्ले करते हैं, उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला ये वाली इमेज के साथ। उन्होंने बोला कि स्पाइडरमैन मूवी विल बी रॉक, बहुत अच्छा काम करा है उन्होंने स्पाइडरमैन मूवी ने, तो प्लीज़ बैक टू स्पाइडरमैन एमसीयू। उन्होंने इस तरीके से कुछ करा। अब देन आप खुद ही बताइए कि मतलब इतने बड़े बड़े एक्टर्स और इतना इंडियन यूट्यूबर हमारे आशीष चंचलानी ने ये सब समझ रहे हैं कि कौन ज़्यादा बेटर काम कर रहा है, पर सोनी क्यों नहीं समझ पा रहा। और फाइनली अब तो यही कहना चाहूँगा कि इस डील के बाद सोनी के शेयर पर बहुत बड़ा असर पड़ा। जी हाँ, जैसे ये डील कंफर्म हुई कि सोनी के पास राइट्स आ गए हैं स्पाइडरमैन के, तो उनके शेयर मार्केटिंग में बहुत बुरा असर पड़ा है, आप खुद ही देख सकते हो। और देन मैं तो यही कहना चाहूँगा कि केविन फाइगी को बहुत बुरा लगा इस चीज़ के लिए, अभी उनके ट्विटर अकाउंट से भी देखा और देन काफ़ी लोग इन्हीं अपडेट भी दे रहे हैं कि केविन फाइगी को इस चीज़ का बहुत बुरा लगा है कि स्पाइडरमैन के राइट्स अब सोनी के पास है। और देन उनका सपना था, ड्रीम था कि वो उस चीज़ को करें, इसके ऊपर काम करें। और देन आने वाला फ्यूचर स्पाइडरमैन का कुछ इस तरीके से रहेगा। जी हाँ, तो सबसे पहले मॉर्बियस देखने को मिलेगी हमें जुलाई 2020 को, वेनम 2 देखने को मिलेगी अक्टूबर 2020 को, और थ्योरी के हिसाब से ये पता चला कि स्पाइडरमैन 3 जुलाई 2021 को, ब्लैक कैट अक्टूबर 2021 को, और वेनम एंड स्पाइडरमैन मैक्सिमम कार्नेज जुलाई 2022 को। तो गाइस ये है वो आने वाला फ्यूचर। अब आपके हिसाब से क्या लगता है कि स्पाइडरमैन सोनी सही कर रहा है, ये मतलब क्या हो रहा है, मेरे को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। और देन आप ही कमेंट सेक्शन में बताइए। तो गाइस कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली में आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे हो वो सब्सक्राइब बटन पे सोनी को जरूर मारना। बाय बाय, जा रहा हूँ।